नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी के लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के। आप सभी ने हमारे चैनल पे सुना होगा, बहुत बार हम आप सभी को बताते रहते हैं कि शहद खाने के ये फायदे हैं, इन बीमारियों को आप शहद की सहायता से दूर कर सकते हैं या फिर स्किन को गोरा बना सकते हैं। बहुत सारे फायदे हमने बताए हैं अपने ही चैनल पर, लेकिन ये तभी आपको सारे फायदे मिलते हैं जब असली शहद का आप प्रयोग करते हैं। और असली और नकली शहद की पहचान कैसे करें, इसी से रिलेटेड आज का हमारा ये वॉइस ओवर है। शहद का सेवन हर दिन हर घर में किया जाता है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि सही शहद का सेवन किया जाए। दरअसल सर्दियों का मौसम नज़दीक आते ही शहद की बिक्री बढ़ जाती है, ऐसे में मिलावटखोर मिलावटी शहद बाजार में सप्लाई करने लगते हैं। शहद शुद्ध है, इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने स्तर पर उसकी पहचान करें। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से हम शहद की पहचान कर सकते हैं कि असली है या नकली है। सबसे पहले तो पानी के साथ ही से मिला करके, यानी कि मिक्स करके, इस टेस्ट के लिए कांच के ग्लास में पानी लेकर एक चम्मच शहद ले लीजिए। पतले तार के रूप में उसे पानी में डालिए। शुद्ध शहद पतले तार के रूप की तरह गिलास की सतह में बैठ जाएगा, जबकि मिलावटी शहद पानी में घुल जाएगा। इसके बाद दूसरा तरीका है, मक्खी बताए कौन सी है शुद्ध शहद। जी हाँ, शुद्ध शहद में मक्खी गिरकर फंसती नहीं है, बल्कि फड़फड़ाकर उड़ जाती है। मिलावटी शहद में मक्खी फंस कर रह जाएगी, काफ़ी कोशिशों के बाद भी वो उड़ नहीं सकती है। इसके बाद शीशे के प्लेट से शहद का आप टेस्ट कर सकते हैं। एक मामूली सी शीशी की प्लेट आपको बता सकती है कि आप शुद्ध शहद का सेवन कर रहे हैं या मिलावटी शहद का। शीशे की प्लेट में शहद टपकाने पर यदि उसकी आकृति सांप की कुंडली जैसी बन जाए तो शहद शुद्ध है। मिलावटी शहद प्लेट में गिरते ही फैल जाएगा। इसके बाद ठंड में जम जाता है शुद्ध शहद। जी हाँ, शुद्ध शहद सुगंधित होता है, ठंड में जम जाता है और गर्मी में पिघल जाता है, जबकि मिलावटी शहद हर समय एक ही तरह का रहता है। इसीलिए अगर ठंड में आपका शहद जम नहीं रहा तो समझ जाएं कि उसमें मिलावट की गई है। सफ़ेद कपड़े से शहद के मिलावट की पहचान आप कर सकते हैं। एक सफ़ेद कपड़ा लें, इस कपड़े पर थोड़ी सी शहद डाल लें, कुछ देर में पानी से साफ कर दें। शुद्ध शहद का दाग कपड़ों पर नहीं लगता है, जबकि मिलावटी शहद का दाग कपड़ों पर लग जाता है। इसीलिए अगर कपड़े पर दाग रह जाए तो समझ लीजिए शहद में मिलावट की गई है। इसके अलावा लकड़ी के टुकड़े से शहद का आप टेस्ट कर सकते हैं। किसी लकड़ी के टुकड़े पर एक बूंद शहद का टपकाइए, इस शहद को माचिस की तिल्ली जलाकर देखिए। ऐसा करने पर अगर वह जलने लगे तो उसे असली शहद समझें, न जलने पर समझ लीजिए कि आपकी शहद में किसी किस्म की मिलावट की गई है। इसके अलावा रुई की बत्ती से शुद्ध शहद की आप पहचान कर सकते हैं। रुई की एक छोटी सी बत्ती भी बता सकती है कि शहद शुद्ध है या नहीं। रुई की बत्ती बनाकर उसे शहद में भिंगो कर जलाया जाए, मिलावटी शहद या तो जलता नहीं या फिर चिटचिट की आवाज़ करके जलता है। तो देखा दोस्तों, आप सभी ने, हम आज आप सभी के लिए जो जानकारी लाए थे वो शहद से रिलेटेड थी कि आप शुद्ध शहद की पहचान कैसे करेंगे, क्योंकि शहद के फ़ायदे हमने आपको अपने चैनल पर बहुत बार बताया हुआ है, लेकिन उसके फ़ायदे को आप तभी ले पाएंगे जब आप शुद्ध शहद का इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए हम शहद से जुड़ी हुई जानकारी लेकर के आज उपस्थित हुए थे। अगले अंक में हम आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।